हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद आज की इस रीडिंग में जो हमने पढ़ा उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी भौतिक गतिविधियां विद्रोही आत्माओं को परमात्मा के परम धाम में वापस लाने में लगी। विद्रोही आत्माएं कौन है? जो भगवान का विरोध करती हैं या भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती हैं। तो ब्रह्मांड की सारी भौतिक गतिविधियां विद्रोही आत्माओं को परमात्मा के परम धाम में वापस लाने में लगी हैं, कोशिश करती हैं कि वो वापस आ जाए परमात्मा के परम धाम। लेकिन भौतिक गतिविधियों से क्या मतलब? भौतिक गतिविधियों से मतलब वो नहीं है कि आप भोग विलास के साधन जुटा रहे हैं। भौतिक गतिविधियों से मतलब है जो प्रकृति के तीन गुण, भौतिक गुण जो कार्य कर रहे हैं वो अंततोगत्वा भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं और भगवान उन कार्यों के माध्यम से आपको अपने धाम लाने का प्रयास करते हैं। आप तमोगुण में हो, रजोगुण में आ जाओ, एक स्टेप प्रोग्रेस कर लो, फिर रजोगुण से हो तो सतोगुण में आ जाओ, फिर एक स्टेप प्रोग्रेस कर लो और धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। यही स्थिति है। माया के कठोर नियम भी विद्यमान है। क्यों? पुलिस या सैनिक शक्ति का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना। इसीलिए जो प्रकृति पूरी काम कर रही है वो भगवान के नियमों को अनुपालन कराने के लिए कार्यरत है। जिस तरह पुलिस विभाग या सेना का विभाग सरकार के नियमों का पालन कराने के लिए लगा हुआ है, यदि कोई नागरिक राज्य के नियम की अवज्ञा करता है तो उसे तुरंत पुलिस की देखरेख में ले लिया जाता है। आप एक भी रूल ये करो तो आपको पुलिस आकर पकड़ लेगी। मतलब आप नियम तोड़ो, रूल भंग करो, नियम भंग करो, पुलिस आकर पकड़ लेगी और अपराध में आपको जेल में डाल देगी। इसी प्रकार भगवान के रूल्स को भी जो तोड़ता है वो पाप कहलाता है और भगवान उसको दंडित करते हैं। जेल में डालने का मतलब है कि भगवान की तरफ से पनिशमेंट आपको मिलता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य भगवत सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है और वो अवश्य दुख पाएगा। तो जब भी हम दुख पा रहे हैं समझ लीजिए कि कोई ना कोई हमने गलत कार्य किया है जिसका भगवान हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। यही स्थिति है। इसलिए हमारी स्वार्थ सिद्धि इसी में है कि हम भगवान की खोज में लगे और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें। स्वार्थ सिद्धि, प्रभुपाद कहते हैं ये स्वार्थ है और हर एक का स्वार्थ होना चाहिए। एज ए ह्यूमन, मानव देह में हमारा ये स्वार्थ होना चाहिए कि हम भगवत धाम में जाने का प्रयास करें, भगवान की खोज में लगे और भक्ति के मार्ग को अपनाएं। इसी से हम सुखी होंगे, अन्यथा यदि हम भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करते हुए सुखी रहने का प्रयत्न करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। भौतिक वस्तुओं से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ना हमें स्थायी रूप से सुख मिल सकता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान विष्णु के पथ या कृष्ण भावनामृत की खोज कैसे की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में आप कैसे आओगे? ये जो भगवान विष्णु का मार्ग है इसे कैसे प्राप्त करोगे? वे कहते हैं कि हमने अनेक अनावश्यक चीजें गढ़नी है और हम उनके जाल में फंस कर रह गए हैं। जो भौतिक जगत की वस्तुएं हैं ना, उनके जाल में हम फंस कर रहेंगे, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन प्रहलाद महाराज खुद भी फंसे हुए थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए वो सारे जो ऐश्वर्य या संपत्ति या धन संपदा, महल, पद, पदवी, जिसकी भी आकांक्षा कर रहे थे, वो सब उन्हें कांच के टुकड़ों के समान दिखने लगा। ये तो सब व्यर्थ है, आपके दर्शन होने के बाद अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्रीमद भागवत के आरंभ में कहा गया है कि हमें इन अनावश्यक कठिनाइयों से बाहर आने और स्वनिर्मित समस्याओं के घेरे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। स्वनिर्मित, हमने खुद ही निर्माण किया है, किसी दूसरे निर्माण ने किया है। हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी इन समस्याओं के। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं बर्लिन के बारे में। बर्लिन बहुत अच्छा शहर है, मॉस्को भी अच्छा शहर है, वहां गए हैं और कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी ये बैर क्यों है, ये लड़ाई क्यों है? मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तुम मेरे शत्रु हो। क्यों? क्योंकि दोनों का या सभी का कोई एक केंद्र नहीं है जहां वो फोकस कर सके। इसलिए कहते हैं कृष्ण भावना अमृत जो है
भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना ये केंद्र में होना चाहिए, हरेक के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर ये हरेक के लिए एक जैसा है तो कोई युद्ध का, लड़ाई का, मारपीट का या झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि सभी सुखी हो जाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छी तरह नाचेंगे, अच्छी तरह जिएंगे और भगवान के परम धाम में वापस चले जाएंगे, कोई ईर्ष्या नहीं होगी। यही लोक में आनंद प्राप्त करें और परलोक में भी, मतलब इस लोक में भी आनंद होगा जो कि अभी नहीं है, और जो दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां तो आनंद होगा ही। रूपा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही हमारी प्रार्थना है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत आंदोलन गंभीरता से अपनाना चाहिए और इसे अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझ लें अच्छी तरह से, उसे अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि ये वैदिक शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, ये कोई मनगणंत या अप्रामाणिक नहीं है। हम विश्व के अनेक भागों में केंद्र खोल रहे हैं ताकि लोग अपने वास्तविक जीवन, वास्तविक हित को अर्थात विष्णु और कृष्ण को पहचान सके। मनुष्य का वास्तविक हित जिसको स्वार्थ कहते हैं प्रभुपाल, स्वार्थ क्या होना चाहिए? भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य है। कृपया हमारी सहायता करें और हमारे साथ सम्मिलित हों। ये सभी को एड्रेस करके वो कह रहे हैं, जो लोग भी बैठे हुए सुन रहे हैं उनका प्रवचन, उनके लिए वो सूचित करते हुए ये बात रिक्वेस्टिंग वे में एक निवेदन के तौर पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद ने मेंशन किया है प्रहलाद महाराज का, कल भी हमने प्रहलाद महाराज के विषय में थोड़ा सा पढ़ा था यहाँ पर ही, और ये देखा था कि प्रहलाद महाराज किस तरह से हमें प्रेरित करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। वो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है ना बहुत दुर्लभ है, और अगर हमें मिल गया है तो हमें बचपन से ही अपने सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों में लग जाना चाहिए। ये नाचवान तो है मनुष्य का जन्म, लेकिन नाचवान होते हुए भी इसका अर्थपूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुवम अर्थदम। और अर्थपूर्ण कैसे किया जा सकता है प्रयोग इसका, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है और किसी जीवन में नहीं। तो नाचवान है तो होने दो, वैसे भी हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों ना उसका कुछ समय लेकर हम भगवत भक्ति में लगाएं उस जीवन का, क्योंकि भक्ति जो है किसी और योनि में नहीं हो सकती, सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकती है। यदि निष्ठापूर्वक हम किंचित भी भक्ति कर लें तो हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंचित भी, थोड़ी सी भी कर लें, और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी भी कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये जीवन सार्थक क्यों करना है, क्योंकि भगवान ने हमें इसी उद्देश्य के लिए भेजा है। भगवान ने हमें 9 के 100 बनाने के लिए नहीं भेजा है, या लोगों से लड़ाई मारपीट मारकाट हिंसा बलात्कार ये सब करने के लिए नहीं भेजा है, हमें भगवान की सेवा करने के लिए भेजा है, भगवान का स्मरण रखने के लिए भेजा है ना, इसीलिए नवधा भक्ति हमें दी गई है। दूसरा श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यथा ही पुरुषस्य है विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुकृत। तो 7.6.1 और 7.6.2 ये दोनों श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इवन आगे भी 7.6.3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मनुष्य जीवन कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी हमें मिली है ना, रूपा वही बार बार समझा रहे हैं कि जानवरों की तरह से जीने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मनुष्य जीवन हमें भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, बैक होम बैक टू गॉड हेड, और किसी योनि में आप बैक टू गॉड हेड नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक जीव को विशेषतया उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। चरण कमल, भगवान श्री विष्णु के चरण कमल, ये भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय है, परमात्मा है और सभी जीवों के शुभ चिंतक है। आत्मेश्वरः सुहृत, सुहृत है मतलब वो सभी के प्रिय है, सभी के मित्र है। यदेश सर्वभूतानां प्रिय,
सभी जीवों के प्रिय हैं, सबके सुहृत हैं, आत्मेश्वर हैं। कौन है? भगवान श्री विष्णु। तो ये दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि हमें इस तरह से भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान विष्णु के चरण कमल को पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यही मनुष्य का स्वभाव है। जो प्राकृतिक स्वभाव है वो यही है। हमने जो स्वभाव बना रखा है वो आर्टिफिशियल है, बनावटी स्वभाव है, जिसको जिसको कि हम कहते हैं ये तो भौतिक जगत के लिए ही बना है। माई बॉडी इज मेड फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट। नो, आवर बॉडी इज नॉट मेड फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट, आवर बॉडी इज मेड फॉर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। तो जो सुखों की बात कही उन्होंने अभी, प्रहलाद महाराज का जो कोट किया, वे कहते हैं कि हमने अनेक आवश्यक चीजें गढ़ ली और हम उनके जाल में फंसकर रह गए हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान विष्णु के पथ या कृष्ण भावना मृत की खोज कैसे की जा सकती है, और हमने जो चीजें भौतिक जगत में बना ली है हम उनके जाल में फंसकर रह गए हैं। तो तब प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं 7.6.3 में, वो ये बता रहे हैं कि सुखम इंद्री कम दैत्या देह योगेन देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैव तथा दुखम दुखम यत्नतः। तो कहते हैं कि सुख दुख तो आता जाता है ही है, उसमें तो क्या उसकी चिंता करने का। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, अपने मित्रों को जो फ्री पीरियड होता है ना, उसमें गुरुकुल में अपने सहपाठियों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, और सहपाठी सोच कर चिंतित हो रहे हैं, मतलब बड़ी दुविधा में पड़ रहे हैं कि दैत्यों के घर में पैदा होने वाला ये व्यक्ति कैसे इतने विष्णु के उपदेश और विष्णु की उपासना और ये सब करने की बात करता है, इसको कहाँ से सीखने में आ गया। तो भगवान का दिया हुआ गुण है इसके अंदर। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है ना, जो सुख हमें प्राप्त होता है, वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। पिछली योनि में आप क्या अच्छा करके आए उसके हिसाब से जो भी योनि मिलेगी उसमें आपको सुख मिलेगा। कुत्ते को भी मिल जाता है, बिल्ली को भी मिल जाता है, हाथी को भी मिल जाता है, घोड़े को भी मिल जाता है, गधे को भी मिल, सबको मिल जाता है। आप पूछें गधे कैसे मिलता है, प्रश्न होना चाहिए ना, गधे को कैसे मिल जाता है, गधे को भी सुख मिल जाता है। एक गधा वो है जो जंगल में ऐसे भटकता रहता है, जंगली गधा हो जाता है। एक गधा वो है जिसको कि कोई धोबी पालता है अच्छी तरीके से, उसे दो बार की रूखी सूखी घास खिलाता है, घर के अंदर बंधा रहता है, बारिश से उसकी रक्षा होती है, ठंड से रक्षा होती है, और क्या नाम है, धोबी के लिए थोड़ा सा काम कर देता है, वो कपड़े लाने ले जाने का काम करता है। तो वो एक पेट गधे की तरह से काम करता है, पेट डंकी। हाथी भी देख लो, बहुत से हाथी जंगल में ऐसे ही मारे मारे घूमते रहते हैं। कुछ हाथी पालतू होते हैं, लोग पालते हैं उनके लिए, अपने घरों में रखते हैं। पहले तो बहुत रखे जाते थे, अब नहीं रखे जाते, अब तो कुत्ते भी रखने की जगह नहीं है। तो पहले महलों में या बड़े बड़े जमींदारों के घरों में हाथी घोड़े ये सब रखे जाते थे, तो इसलिए वो लकी है, अच्छा कुछ करके आए इसलिए अच्छा परिवार मिल रहा है साथ में रहने के लिए, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि वो तो किसी भी योनि में पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आप प्राप्त कर सकते हैं इंद्रिय विषयों के सुख, है? जैसे आंखों को अच्छा देखना है, कानों को अच्छा सुनना है, जीवा को अच्छा स्वाद लेना है, नाक को अच्छा सूंघना है, त्वचा को अच्छा स्पर्श करना है, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम, तो इस तरीके की चीजें जो है वो कोई भी योनि में कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि वो पिछली योनि से उसको क्रेडिट्स में लेकर आया है। ऐसा सुख बिना प्रयास के प्राप्त हो सकता है, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसको बता रहे हैं? ह्यूमंस को बता रहे हैं कि ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप प्रयास होगा, अपने आप ये प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार की हमें दुख अपने आप से प्राप्त हो जाता है, दुख प्राप्त करने के लिए हम कहीं रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, कहीं अर्जी नहीं लगाते हैं, भगवान मुझे 2 किलो दुख दे दो, लेकिन हम सुख मांगने के लिए जरूर अर्जी लगाते हैं कि सारे कष्ट हमारे दूर कर दो। तो प्रहलाद महाराज मतलब ये इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं आप,
कि सुख और दुख से हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संघर्ष जीवन में आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो सब आते जाते रहते ही हैं। भगवत भक्ति मत भूलो, बस भगवत भक्ति अगर भूल गए तो ये सुख दुख आपको यहाँ पर बैठ जाएंगे आके। हाँ, और अगर आपने भगवत भक्ति को याद रखा है तो ये ही सुख दुख जो यहाँ पर आते थे वो नीचे आपके पैरों में चले जाएंगे और आपके चरणों से होते हुए बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। तो संकट जो है वो आता जरूर है लेकिन टल जाता है या कम हो जाता है। तो भगवत भक्ति करने के लिए, भगवत धाम जाने का अवसर न गंवाने के लिए प्रहलाद महाराज बार बार अपने इन श्लोकों में बताते हैं। तो हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक अंधे व्यक्ति की शरण ना ग्रहण कर लें, एक अंधे गुरु की शरण ना ग्रहण कर लें, जो कि हम तो अंधे है ही है, वो भी अंधा है, तो हमें किसी अंधकूप में ले जाकर गिरा दे। हमें ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी है जो खुद सेल्फ रियलाइज्ड है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, भगवान के विषय में जानता है, शास्त्रों का ज्ञान है और हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.